उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सिकंदरा राव कस्बे के फुलवारी गांव में मंगलवार का दिन सैकड़ों लोगों के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। कथित तौर पर पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी छोड़कर सूरजपाल से नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा बने एक संत के सत्संग में प्रवचन के समापन और बाबा के निकलने के बाद ऐसी भगदड़ मची कि कल रात 116 की मौत का आंकड़ा बुधवार की सुबह 121 तक पहुंच गया। श्रद्धालु हाथरस, एटा और अलीगढ़ में इलाज करवा रहे हैं। मरने वाले में 100 से ज्यादा महिलाएं और आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। हाथरस हादसे की एफआईआर में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम तक नहीं है। ये वही बाबा है जिसके कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बता दें कि ये हादसा हाथरस जिले में मंगलवार को सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के जीडी रोड स्थित गाँव फुलवारी के पास हुआ था। विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी, जबकि इजाजत सिर्फ 80,000 लोगों की थी। सत्संग समाप्त होने के बाद वहां निकलते समय भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के चलते 100 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे। मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे, तभी दोपहर करीब 2 बजे श्रद्धालु जन ने बाबा की गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। निकल रहे लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे और चीख पुकार मच गई। जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी एवं कीचड़ से बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड़ का आयोजन समिति एवं संवेददारों द्वारा अपने हाथों में लिया गया, जिसके कारण भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष दबते कुचलते चले गए। उनके सेवादारों द्वारा कोई मदद नहीं की गई, आखिर तक पुलिस के लोग ही जुटे रहे।